प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है। आज की हमारी प्रॉब्लम है इफ कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा सो दैट कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2। आपको ये प्रतिबंध दिया हुआ है ये इसके बराबर है। इसके आधार पर आपको ये प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। इस प्रॉब्लम्स को हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा LHS और LHS लिखने के बाद LHS में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था जो व्यंजक दिया हुआ है उसको डाल दिया cos hyperbolic 2y plus cos 2x। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे जिससे कि हमारे लिए फार्मूले वगैरह लगाने में सूत्र लगाने में आसानी रहे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो हमें लाइन प्राप्त होती है cos 2x plus cos hyperbolic 2y। अब जिस समय आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस में रिलेशन सीखा था उस समय आपको बताया गया था cos आयोटा x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x के। तो इसके हिसाब से आप cos हाइपरबोलिक x के स्थान पर cos आयोटा x लिख सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos आयोटा 2y। तो इसके स्थान पर तो ये लिख देंगे और ये फंक्शन वैसा का वैसा लिखा रहेगा अर्थात हमें लाइन प्राप्त होती है cos 2x plus cos आयोटा 2y। अब ये भी हमारा सर्कुलर फंक्शन है और ये भी हमारा सर्कुलर फंक्शन है और आप जानते हैं cos c plus cos d बराबर होता है 2 into cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और यहाँ पर जो है ये 2x जो है वह c का काम कर रहा है और आयोटा 2y जो है वह d का काम कर रहा है। तो जब इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त होगा 2 cos 2x plus iota 2y upon 2 into cos 2x minus iota 2y upon 2 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नई लाइन से हमें प्राप्त होगी 2 आ जाएगा 2 cos hyperbolic वो I'm sorry 2 cos x plus iota y into cos x minus iota y और आपको दिया हुआ है cos x plus iota y is equal to cos alpha plus iota sin alpha और cos x minus iota y जो है वह cos x plus iota y का conjugate है। तो इसका ये conjugate है तो इसका मतलब इस ये जो है इसके conjugate के बराबर होगा अर्थात cos x minus iota y बराबर हो जाएगा cos alpha minus iota sin alpha। तो इसके स्थान पर तो हम लिख देंगे cos alpha plus iota sin alpha और इसके स्थान पर लिख देंगे हम cos alpha minus iota sin alpha और ये दो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 2 into cos alpha plus iota sin alpha into cos alpha minus iota sin alpha और जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसमें a minus b into a plus b बराबर होता है a square minus b square। उस फार्मूले के हिसाब से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के। तो माइनस वन की और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो है प्लस हो जाएगा। तो ये सब लाइन लिखी नहीं जाती है मैंने आपको समझा दिया ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आपको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा और 2 आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और आप जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसके स्थान पर हम 1 लगा सकते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2। तो इस प्रकार से हमने नियमों के आधार से नियमों के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करते रहे LHS से और RHS के बराबर आ गए 2 के बराबर।
तो यहाँ पर लिख देंगे आर टू और बराबर आर एच एस और प्रूव इट। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम्स बहुत ही सरल होती हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए और उनको लगाना आपको भली प्रकार से आना चाहिए, कैलकुलेशन करने के नियम मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे, आज की प्रॉब्लम पूरी होती है। नमस्कार।